महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता। राजा त्रिशंकु के यज्ञ में आमंत्रण के अवसर पर विशिष्ट पुत्र शक्ति और विश्वामित्र विवाद हो गया। विश्वामित्र ने शक्ति को श्राप दे दिया और प्रेरणा से रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। महर्षि वशिष्ठ के दूसरे 99 पुत्रों को भी उसने खा डाला। महर्षि वशिष्ठ का एक भी पुत्र नहीं बचा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। उनका सिद्धांत था कि अपने किए हुए कर्म का फल सदा ही भोगना पड़ता है और किसी को कोई मार नहीं सकता। यदि कोई मारता है तो वह अपने किए हुए किसी कुकर्म का परिणाम होता है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र आदि से बदला न लिया, क्षमा कर दिया। किंतु धर्म प्राण लोक वंश के क्षय को नहीं सह पाते, क्योंकि इससे पितरों का कल्याण नहीं होता। इसलिए महर्षि वशिष्ठ बहुत उद्विग्न हो गए। माता अरुंधति के शोक की सीमा न रही। पुत्रवधु अदृश्यंती के दुख का कोई आर पार नहीं था। उसका तो सर्वस्व ही लूट लिया गया था। इस घोर कष्ट से भी कष्ट पहुंचाने के प्रति क्षमा का भाव रखना बहुत बड़ी मानवता है। महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति ने तो प्राणों को त्यागना ही चाहा। उनका विचार आया कि वंश क्षय के बाद उनका जीना उचित नहीं है। उनकी स्थिति को देखकर पुत्रवधु अपना दुख भूल गई और अपने सास ससुर की संभाल में लग गई। उस स्थिति को देखकर पृथ्वी माता भी रो पड़ी थी। अदृश्यंती ने चरण पकड़कर सास ससुर को मनाते हुए कहा, आपके वंश का क्षय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पौत्र मेरे गर्भ में सुरक्षित है। महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति आश्वस्त हो गए, किंतु शोक और भय से व्यथित पुत्रवधु के कष्ट से वे फिर दोनों रो पड़े। इस बीच महर्षि वशिष्ठ के कानों में वेद की रचनाओं की ध्वनि आने लगी। वह स्वर बहुत स्पष्ट और मधुर था। तब वे सोचने लगे कि वेदों की इन ऋचाओं का शक्ति की तरह कौन उच्चारण कर रहा है। इसी बीच भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे पौत्र के मुख से ये मधुर ऋचाएं निकल रही हैं, तुम्हारा वंश डूबा नहीं है। शोक छोड़ो, तुम्हारा यह पौत्र सदा शिव भक्त होगा और समस्त कुल को तार देगा। इतना कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने इसी पौत्र का नाम पराशर रखा। बालक पराशर ने गर्भ में ही अपने पिता शक्ति द्वारा शिक्षा पाई। पृथ्वी पर आने के बाद बच्चे की दृष्टि से अपनी माता की हीनता छिपी न रह सकी। उसने पूछा, माँ, तुमने सौभाग्य सूचक आभूषण अपने शरीर से क्यों हटा रखे हैं? माता अपना दुख सुनाकर पुत्र के कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। वह चुप रह गई। तब बच्चे ने फिर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतना सुनते ही अदृश्यंती के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे पिता को राक्षस खा गया, इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। इस दुस्थिति से महर्षि वशिष्ठ भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह करुण दृश्य तेजस्वी बच्चे से सहा नहीं गया, जिसके कारण से उसके बूढ़े दादा एवं दादी तथा माता मूर्छित हो जाएं। उस कारण पर बच्चे का क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह आश्रमवासियों से सब समाचार सुनकर सारे विश्व को ही जला देने के लिए उद्यत हो गया। पराशर ने भगवान शंकर की अर्चना कर शक्ति प्राप्त कर ली और जब पराशर विश्व संहार की योजना बनाने लगे तब महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, वत्स, तुम्हारा यह क्रोध अयुक्त नहीं है, किंतु विश्व के विनाश की योजना सही नहीं, इसे छोड़ दो। यह बात बालक की समझ में आ गई, किंतु राक्षसों से उसका क्रोध नहीं हटा। उसने राक्षस सत्र प्रारंभ कर दिया। मंत्र की शक्ति से राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को पुनः समझाया, बेटा, इतना अधिक क्रोध मत करो, इसे छोड़ दो। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, अपने किए के अनुसार ही हानि प्राप्त होती है, अतः किसी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। निर्दोष राक्षसों को जलाना बंद कर दो। आज से यह अपना सत्र ही समाप्त कर दो। सज्जनों का काम क्षमा करना होता है। पराशर ने अपने पिता का आदर कर उस सत्र को समाप्त कर दिया। इस घटना से राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए और उस स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने पराशर से कहा, बेटा, क्षमा ग्रहण करने पर तुमने वैर को जो भुला दिया, यह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त शास्त्रों को जान पाओगे और वरदान देता हूँ कि विष्णु पुराण के रचयिता होगे। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में निर्मल बनी रहेगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी
पुलस्ते की इन वचनों का अनुमोदन करते हुए बालक को साधुवाद दिया।